I could make him better, give him back his health, would you be willing to make a deal? हेलो गाइज, व्हाट्स अप गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा लेसन पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको एक्चुअली एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, एक सवाल करना सिखाऊँगा जो आपकी स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बना देगा दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू हियर सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर रेगुलर वीडियोज़। शेयर इट इफ़ यू लाइक इट एंड ऑल्सो मेक कमेंट। ओके गाइज, नोट डाउन दिस फार्मूला, वट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वट इफ के साथ में सब्जेक्ट और एक वर्ब आपको लगाना है ये सेंटेंस बनाने के लिए। सो गाइज, बाय दिस एक्सप्रेशन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट इन द इवेंट ऑफ और इन द इवेंट दैट यूजली यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर एट द टाइम at the question that is being asked। So guys, इसके द्वारा आप एक सवाल कर रहे हैं कि आप उस हालात में क्या करेंगे। Let's take an example। What if I miss the bus? अगर मेरी बस निकल गई तो, for example आपको काम दिया गया है कि आपको कानपुर जाना है और वहाँ पर जाके आपको कोई काम करना है, तो आप बोलते हैं ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर मेरी बस निकल गई तो। तो आप एक सवाल कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए मैं क्या करूँगा। वट इफ़ आई मिस द बस, अगर बस निकल गई तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सेंटेंस गाइज, वट इफ़ आई वेयर लेट टू डिनर, अगर मैं डिनर के लिए लेट हो गया तो। आपको किसी ने इनवाइट किया है और टाइम बताया कि आपको 8 o'clock पहुँचना है, तो आप ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर मैं लेट हो गया उसके सिचुएशन में, अगर मैं लेट हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। वट इफ़ आई वेयर लेट टू डिनर। सो कन्फर्म करना दोस्तों ज़रूरी है कि ऐसे इवेंट में, ऐसे हालात में क्या होगा अगर मैं लेट हो जाऊँ तो, आऊँ या ना आऊँ, अगर मेरे लेट आऊँ तो खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वट इफ़ आई कॉल्ड हर टुमोरो, अगर मैं उसे कल बुला लूँ तो कैसा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को जॉब देने के लिए बुलाया है लेकिन आपके जो बॉस हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो आप उनसे कन्फर्म कर रहे हैं कि अगर मैं उसे कल बुलाऊँ तो कैसा रहेगा। वट इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर मैं नहीं समझ पाया तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको नया कोर्स दिलवाया है स्कूल से जो आप जानते हैं कि आप नहीं ठीक से पढ़ पाएंगे, तो आप उनसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस कोर्स को नहीं समझ पाया तो फिर क्या करूँगा। वट इफ़ समवन सीज मी, वट इफ़ समवन सीज मी, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो। समवन ने कोई व्यक्ति के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, तो अगर मुझे कोई व्यक्ति देख लेता है तो। कुछ दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ बैड एक्टिविटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग है, आप स्मोक नहीं करते हैं और आपसे कोई फ्रेंड बोलते हैं कि थोड़ी सी स्मोक कर लो, फोर्स कभी कभी कर लेते हैं दोस्त, कुछ ऐसे होते हैं जो फोर्स कर लेते हैं और दोस्तों को मना भी करना मुश्किल होता है, तो आप उनके सामने एक कंडीशन रख सकते हैं कि भाई अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। वॉट इफ़ नो वन इज़ होम, अगर घर पर कोई नहीं हुआ तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैकेज लेके आपको किसी रिलेशन के घर भेजते हैं और आप ये कंडीशन रखते हैं, बताते हैं पापा को कि अगर घर पे मुझे कोई ना मिला तो मैं इस पैकेज का क्या करूँगा, वापस ले आऊँ या वहाँ पे किसी और रिलेशन को दे दूँ। इस तरीके से हम वहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वट इफ़ नो वन इज़ होम। गाइज, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसमें एक जो बूढ़ा आदमी है छड़ी के साथ चल रहा है, वो एक यंग बॉय को, एक लड़के को एक ऑफ़र देता है कि अगर मैं तुम्हारे बाप की हेल्प कर सकूं तो, और साथ साथ एक और ऑफ़र देता है, वट इफ़ आई कुड मेक हिम बेटर, अगर मैं उन्हें ठीक कर सकूं तो। गाइज, लेट्स गो वन मोर वीडियो।
What if I say no? I'll persuade you. And what if the other guy says no? You've been more than a year without an incident. I don't think you want to break that streak. इस वीडियो में गाइस जो हल्क यानी कि ब्रूस बैनर जो है वो नताशा रोमनोफ से बोलता है कि व्हाट इफ आई से नो, अगर मैं ना कहूँ तो, यानी कि वो उस नताशा का प्लान है उसको शिप पे ले जाने का, तो वो मना करता है व्हाट इफ आई से नो, अगर मैं ना कह दूँ तो वो कहती है कि मैं मना लूँगा, लेकिन फिर वो कहता है कि व्हाट इफ़ द अदर गाय से नो, यानी कि तो उसकी दूसरी छवि है यानी कि हल्क जो है अगर वो मना कर दे तो फिर तुम क्या करोगी, यानी कि पूछ रहा है कि उस इवेंट में अगर मैं मना कर देता हूँ ठीक है, लेकिन अगर जो हल्क है वो मना कर देगा तो उस इवेंट में तुम क्या करोगे, तो वहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। Hi, I'm Varun Patel's mom. Yes, I know. I hope Varun can face the fast bowler. Mrs. Patel is prepared. I know, but fast bowler, what if he gets injured? It's quite risky. Bowler fast हो या slow, risk तो है, out होने का या बॉल लगने का, दोनों। I know, पर वरुण। दोस्तों ये सचिन का नया एड आया है, तो मैंने ये ले लिया है एग्जांपल देने के लिए आपको, कि इसमें सचिन से एक बॉयज़ की मॉम बोलती है कि व्हाट इफ ही गेट्स इंजर्ड, वो अपने लड़के की बात कर रही है कि अगर उसको चोट लग गई तो। सो गाइस आप भी ऐसे कभी कभी हॉलीवुड या कुछ शॉर्ट क्लिप्स जो है इंग्लिश में देख लिया करें, ताकि आपको आपकी लिसनिंग हियरिंग पावर्स जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप भी उनको अच्छे से समझ सकें। ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।